लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एनसीपी यूथ कांग्रेस के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अनु आंगरे और उनके भाई राहुल आंगरे के खिलाफ एक वीडियो पार्लर संचालक ने हफ्ता मांगने और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में FIR दर्ज कराई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पवन मेलगड़े ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवक जिला अध्यक्ष और उनके भाई 50,000 हफ्ते की मांग कर रहे थे, नहीं दिया तो उनके गुंडों ने दुकान पर आकर मारपीट की। पीड़ित ने अनु आंगरे समेत 7 लोगों के खिलाफ फरियाद देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। क्या नवी मुंबई के दीघा में कानून का नहीं गुंडों का राज चलता है? क्या राजनीतिक लोग दीघा के दुकानदारों से हफ्ता वसूली करते हैं? एक वीडियो गेम पार्लर संचालक से 50,000 हफ्ते की मांग के बाद हुई मारपीट का जो खुलासा सामने आया है वह इसका संकेत देता है। पीड़ित पवन मेलगड़े ने इस वारदात को लेकर रबाले पुलिस में NCP यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनु आंगरे, उनके भाई राहुल आंगरे, प्रवीण पुजारी, मंगेश टेपकर, रोशन नाइक, पप्पू पटेना और परेश भोईर के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित पवन मेलगड़े ने खुला आरोप लगाया कि अनु आंगरे ने उनसे 50,000 का हफ्ता मांगा था और जब नहीं दिया तब उनके भाई राहुल आंगरे ने 19 नवंबर को अपने गुंडों के साथ पार्लर में घुसकर मारपीट की। पवन मेलगड़े की माने तो राहुल आंगरे ने कहा कि भाई यानी अनु आंगरे से आकर मिलो और हफ्ता दो वरना दीघा में वीडियो पार्लर मत चलाओ। आइए सुनाते हैं पीड़ित ने और क्या कुछ कहा। 19 तारीख को ये घटना घटी थी। उन्होंने मेरे कान के नीचे बजाई और मेरे को बोला कि तुमने भाई से मिला क्या, तुम हफ्ता चालू किया क्या तुम, और तुम जानते हो क्या भाई को, ऐसा पूछा मेरे। दो हफ्ते पहले मेरी भाई के साथ अनु आंगरे के साथ बात हुई थी। 50,000 की उन्होंने मेरे को महीने का 50,000 तू हफ्ता दे और धंधा कर। राहुल आंगरे के उन्होंने तो कान के नीचे बजाई है तो उनसे उनके पहले उनके बारे में तकरार की है पहले, फिर उनके बाद अनु आंगरे और उनके कुछ साथीदार है, राहुल आंगरे के कुछ साथीदार है उनके ऊपर भी तकरार ये की। NC तो किया हुआ है मैंने और कल FIR भी दर्ज किया है मैंने, तो आगे पुलिस जो कर रही है वो उनका काम आगे करेगी। इस मामले में एक कथित चश्मदीर ने भी इस गुंडागर्दी का खुलासा किया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो राहुल आंगरे के लोगों ने जबरन वीडियो पार्लर में घुसकर पवन मेलगड़े के साथ मारपीट की और पैसों की मांग भी की। 7:30 दरम्यान राहुल आंगरे थे दारू पीऊन आणि नशे मध्ये असून ते येऊन डायरेक्ट शिव्या घाल या व्हिडिओ पार्लरच्या दुकाना मालकाला शिव्या घालत होते। त्यावेळी मी तिकडं उभा होतो। उभा असताना त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना शिव्या पण दिल्या आणि मारहाण पण केली आणि आम्हाला बाहेर ढकललं, शिव्या देऊन बाहेर ढकललं। त्याविषयी मी तिकडून बाहेर गेल्यानंतर बघतो तर बाहेर येऊन राहुल आंगरे ह्याला मारत होते। 2-3 जापड मारले, विषय काय खंडी मांगत होते, 50,000 मांगत होते। बताना जरूरी है कि राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनु आंगरे पर इसके पहले भी कई आपराधिक मामलों के दाग लग चुके हैं। ताजा मामले में पीड़ित का आरोप भले ही संगीन है लेकिन इसका दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है। इस संदर्भ में TV1 इंडिया ने राहुल आंगरे और अनु आंगरे से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।